हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जेएसओ कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपसे एग्जाम में सीजीएल 2020 में बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? आंसर था गोटाबाया राजपक्षे। अतः ये इस बात को बता रहा है कि जितने भी करंट अफेयर्स में राष्ट्रपति हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अतः आपको राष्ट्रपति तैयार रखने चाहिए। साथ साथ में करंट अफेयर्स में अगला ही पूछा है कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर था भूपेश बघेल। अतः ये भी कांग्रेस से संबंधित है, अतः आपको सीएम की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर था अशोक। अतः सांची स्तूप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अतः ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौर्य डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। संसद में क्वेश्चन पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में है? आंसर है कर्नाटका। मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। संसद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि करंट अफेयर्स में पूछा है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? इसका आंसर था श्याम बेसरा। अतः ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री से देखिए, अगला क्वेश्चन था, थॉमस रॉ किसके दरबार में आए थे? आंसर था जहांगीर। यानी जहांगीर के समय में ही थॉमस रॉ ने 1615 में भारत की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर है अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, अतः ये क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आया, रिवर्स रेपो रेट कितना परसेंट है? 4.90%। अतः रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए, अतः इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा, पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है? तीरंदाजी में बॉम्बियाला देवी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पूछा था कि सलमान रशदी की पुस्तक नहीं है, अतः सलमान रशदी कौन सी पुस्तक नहीं है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। अतः इसमें आंसर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? आंसर है श्रीगुप्त। यानी एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज्यादा है, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस भी हैं, और साथ साथ में आपके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। शाम को मैं आपको फिर से पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका अपडेट, एक सिरे से लेकर लास्ट तक फिर से मैं अपडेट एक एक क्वेश्चन का करूंगा। और अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया है तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं जीएस के वीडियोस देखकर जाइए, आपको वहां से भी क्वेश्चंस मिलेंगे। खास तौर से भी देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अगर ज्योग्राफी अगले शिफ्ट में या आने वाले दिनों में ज्योग्राफी से क्वेश्चंस की संख्या होगी और पॉलिटी से भी क्वेश्चन की संख्या होगी, अतः इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।